आज हम जानेंगे कि कोरोना वायरस क्या है और ये कैसे एक इंसानी शरीर के अंदर जाकर उसको संक्रमित करता है और अपना नंबर बढ़ाता है ताकि फिर दूसरे लोगों को संक्रमित कर सके। तो पहले ये जानते हैं कि कोरोना वायरस है क्या। अगर हम डिफिनेशन की बात करें तो वो कहता है, इट इज़ एनवलप्ड आरएनए वायरसेस दैट कॉजेज सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। वेल, इसे एनवलप्ड आरएनए वायरस क्यों कहते हैं ये हम थोड़ी देर में जानेंगे। पहले कुछ इसके पास्ट के बारे में जानते हैं। कोरोना वायरस का फर्स्ट केस 2002 में दुनिया के सामने आया था और उसे हम सार्स के नाम से जानते हैं। इसका सेकेंड केस 2012 में आया था, इसको कि हम मर्स कहते हैं। इसका मतलब होता है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। और अब 2019 में कोविड-19। इन तीनों वायरसेस में अगर डेथ रेट की बात करें तो वो जो 2012 में आया था उसका सबसे ज़्यादा था, मर्स का। उसमें डेथ रेट तकरीबन 34% के आसपास था। ज़्यादा खतरनाक होने के बावजूद भी वो ज़्यादा फैला नहीं। इसका यह कारण था कि उसमें जो सिम्टम्स होते थे वो तुरंत दिखलाई पड़ते थे और लोगों का इलाज हो जाता था। लेकिन कोविड-19 में सिम्टम्स 10 दिनों या फिर कभी कभी 15 दिनों के बाद भी दिखलाई पड़ते हैं। तब तक वो जाके बहुत लोगों से मिल चुके होते हैं और वायरस फैल चुका होता है। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। अभी जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं ये आरएनए है, रिबोन्यूक्लिक एसिड। अगर आसान भाषा में समझें तो ये आरएनए हर वह इंफॉर्मेशन कैरी करता है जिसका यूज़ करके ये वायरस अपना नंबर बढ़ा सकता है, 1 से 4 बन सकता है। ये इसका आउटर मोस्ट लेयर है जो कि लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। इसको लिपिड बायलेयर मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और ये जो घुंडीनुमा संरचना है इसको स्पाइक प्रोटीन कहते हैं या फिर आप एस प्रोटीन भी कह सकते हैं। इसका लेयर लिपिड से बने होने के कारण इसका जो हेड वाला रीजन होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है नेचर में और जो टेल होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। इसलिए अगर आप अपना हाथ नॉर्मल सोप से भी साफ करते हैं तो वो बहुत अच्छे तरीके से साफ हो जाएगा। जब साइंटिस्ट और डॉक्टर्स ने स्टडी किया तो उन्हें पता लगा कि ये जो कोविड-19 है इसका जो स्ट्रक्चर है वो सार्स से मिलता जुलता है जो कि 2002 में आया था। तो उनका मानना है कि ये जो ओरिजिनेट हुआ है वो बैट से ओरिजिनेट हुआ है। चमगादड़ में आया पहले, वहाँ से किसी सेकेंड होस्ट में गया और फिर उस सेकेंड होस्ट से ह्यूमन में आया। यह वायरस डायरेक्ट चमगादड़ से इंसानी शरीर में नहीं आया। आपने सुन रखा होगा कि डॉक्टर्स या फिर साइंटिस्ट कहते हैं कि ये जो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वायरस है ये सिर्फ इंसानों को अफेक्ट करता है, जानवरों को नहीं, या फिर ये जो वायरस है ये सिर्फ जानवरों को अफेक्ट करता है, इंसानों को नहीं। इसके पीछे का कारण समझते हैं। अभी जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये चमगादड़ का बॉडी सेल जिसके ऊपर एक रिसेप्टर लगा हुआ है और ये कोरोना वायरस है जो कि चमगादड़ में होता है। आप अगर गौर से देखें तो कोरोना वायरस का जो स्पाइक प्रोटीन है उसका शेप बैट सेल के रिसेप्टर शेप जो है वो लगभग इक्वल है और आपस में कनेक्ट हो सकता है। सिंपल भाषा में अगर ये दोनों कॉर्ड आपस में कनेक्ट हो गए तो वायरस अंदर जाएगा वरना नहीं जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं ये ह्यूमन बॉडी सेल है जिसके ऊपर रिसेप्टर जो होता है उसका शेप डिफरेंट होता है। अगर ये वायरस आएगा ह्यूमन सेल में तो इसका स्पाइक इस रिसेप्टर के साथ फिट नहीं बैठ पाएगा। तो अब हम जानते हैं कि किस प्रकार से ये जो कोरोना वायरस था इसके स्पाइक का जो टिप था वो फ्लैट था लेकिन किस तरह से ये स्फेरिकल हो गया। जब कभी भी एक वायरस एक होस्ट से दूसरे होस्ट में जाता है तो वो हर एक लेवल पे म्यूटेट होता जाता है। मतलब उस वायरस को खाना खिला के उसको तंदुरुस्त किया जाता है ताकि फिर दूसरे स्पेसीज को, दूसरे पर्टिकुलर ग्रुप को सके संक्रमित कर सके। एक बार जब ये वायरस इंसानी शरीर में प्रवेश कर जाता है उसके बाद इसका जो डेस्टिनेशन है वो एल्वोलाई है। ये एल्वोलाई में जाके उसके सेल के अंदर जाता है। कैसे? ये जो सेल के ऊपर रिसेप्टर लगा हुआ है इस रिसेप्टर को ACE2 कहते हैं। ये एक प्रकार का एंजाइम है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2। तो इस रिसेप्टर के साथ ये वायरस का जो स्पाइक है वो जाके कनेक्ट हो जाता है और फिर इसके अंदर रास्ता बना लेता है जाने के लिए। एक बार सेल के अंदर ये आरएनए जाने के बाद वो अपने आप को रेप्लिकेट करता है
एंजाइम्स का यूज़ करके। फिर यहीं से एक ट्रांसलेशन होता है प्रोसेस, उसके थ्रू ये पॉलीप्रोटीन्स बनाता है। तो पॉलीप्रोटीन्स फर्दर फिर जो वायरस का स्फीयर पार्ट है, आउटर मोस्ट लेयर एंड स्पाइक प्रोटीन, ये सारा बनाता है और फिर ये कंप्लीट वायरस बन के सेल से बाहर आते हैं। जब ये सेल से बाहर आते हैं तो फिर वो सेल डेड कर जाता है। और फिर यही प्रोसेस हर एक सेल के साथ होता है। हर एक सेल के अंदर जाता है, वहाँ अपना नंबर बढ़ाता है और वो सेल डेड कर जाता है। अगर हम एक हेल्दी बॉडी की बात करें जिसका इम्यून सिस्टम बहुत पावरफुल है, तो वो इस वायरस से फाइट कर लेता है। यह कोरोनाइज्ड पर्सन में इसलिए देखा जाता है क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम उतना पावरफुल नहीं होता है। अगर उनको हाई ब्लड प्रेशर है, उसको रिड्यूस करने के लिए ACE इनहिबिटर ड्रग्स लेते हैं, जिसके कारण इस वायरस आसानी होता है अंदर जाके सेल को डेड करने। फिर मैं यही कहूँगा कि कृपया करके अपने घरों में ही रहें। कोरोना अगर एक पर्सन को होता है, उसके बाद वो फिर 2 या 3 में फैला सकता है, फिर 4, 5, 6, 10, 15, 20 बहुत जगह फैल सकता है, और इसका सिम्टम्स भी 10 दिनों के बाद दिखलाई पड़ता है कभी कभी। तो स्टे अवे फ्रॉम द क्राउड एंड स्टे एट होम। सो थैंक यू सो मच।